नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित राय और स्वागत है आपका इनफोकस सिविल एकेडमी ICA में। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से एक वैकेंसी की बहुत चर्चा हो रही थी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। अलग अलग अनऑफिशियल सोर्सेज से हमें उसके बारे में पता चल रहा था, किंतु पहली बार हमें एक ऑफिशियल सोर्सेज से यह जानकारी लगी है कि जल्द ही तकरीबन 26,210 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। और ये जानकारी हमें लगी है उत्तर प्रदेश शासन के ही एक डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। तो जाहिर सी बात है, इस खबर की प्रामाणिकता बहुत ज़्यादा है, ये खबर विश्वसनीय है। उम्मीद है इस संबंध में आप लोगों को जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आज का यह वीडियो हमारा इसी परीक्षा पर केंद्रित है कि इस परीक्षा में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसमें एज लिमिट या रिलैक्सेशन होते हैं, और अलग अलग आरक्षण वार क्या रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो पेपर का पैटर्न होता है वो क्या होता है, या फिर जो फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट जो होते हैं उसके क्या मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इन सभी मुद्दों पर हम आज बात कर रहे होंगे। इन सभी बातों से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस परीक्षा से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी डिस्कशन है उससे संबंधित एक वीडियो हम लोग बहुत जल्द ला रहे होंगे, जिसमें हम लोग इस परीक्षा को क्रैक करने की ज़बरदस्त रणनीति के संबंध में चर्चा कर रहे होंगे। और हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो भी 12 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो रही हैं। इसके अलावा हमारा एक यह भी मानना है कि आप लोग कई बार टीचर से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट से ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं जो कि ऑलरेडी इस परीक्षा को निकाल चुके हैं। तो हमारा ये मानना है कि जल्द ही हम कुछ ऐसे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी राज्य सेवा में कार्यरत हैं उनसे भी हम लोग संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के लिए आप लोगों को उनसे रूबरू कराएंगे, ताकि आप लोग डायरेक्ट जो भी प्रश्न उनसे पूछना चाहें वो उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ये लिख कर भेज भी सकते हैं कि आपको किस तरह की जानकारियां और चाहिए, जिस पर हम लोग उनसे बात करके और एक वीडियो ला सकें, या फिर कोई लाइव सेशन आप लोगों को करा सकें। चलिए अब आज की बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो देखिए, ज़्यादातर लोगों सभी को पता है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th पास, यानी कि आपका इस परीक्षा को देने के लिए 12th पास होना ज़रूरी है, बाकी नेशनैलिटी इंडियन वो आपको पता ही होगा। एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए, एज लिमिट जो यहाँ पे मांगी जाती है वो है जनरल के लिए है ये बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए है ये 22 और गर्ल्स के लिए ये है 25। तो देखिए, 22 और 25 जो है वो बॉयज़ के और गर्ल्स के लिए है। वहीं अगर इसमें हम लोग OBC, SC, ST इनका अगर बात करें तो ये है 28 और गर्ल्स के लिए है ये 31। तो ये इसकी एज लिमिट है और रिलैक्सेशन है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इस परीक्षा का जो क्रमबद्धता है वो क्या रहती है, यानी कि पेपर का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए इसमें होता है आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट इसमें सबसे पहले होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद जो मेरिट बनती है, रिटन टेस्ट से जो मेरिट बनती है उसके आधार पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी आपके जो भी दावे आपने एप्लीकेशन में किए हुए रहते हैं उस पर उसकी जांच की जाती है यहाँ पे। उसके अलावा एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी इसको पूरी प्रक्रिया को DVPST बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसमें आपकी जो चेस्ट मेजरमेंट या हाइट मेजरमेंट इत्यादि होता है, वेट मेजरमेंट गर्ल्स का होता है, तो वो सभी इसमें आता है DVPST में। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक होता है आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो इसके DVPST के बाद में होगा, इसमें आपकी रनिंग वगैरह होती है, तो उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट जारी होती है। तो अगर देखिए हम लोग बात करें कि इसमें जो सबसे पहला स्टेप है यानी रिटन टेस्ट, तो अगर हम लोग रिटन टेस्ट पे बात करते हैं तो रिटन टेस्ट में 4 पोर्शन में मेजर तरीके से ये डिवाइड होता है। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है GK या GS का। GK या GS इसमें 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, 38 क्वेश्चंस। ऑब्वियसली एक प्रश्न जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो ये हो गया 76 मार्क्स का। तो देखिए, GK GS जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो GK GS होता है 38 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल हिंदी होता है। जनरल हिंदी जो होता है वो होता है 37 क्वेश्चन और ये होता है 74 मार्क्स का।
तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न जो है टोटल इसमें जो पेपर का पैटर्न होता है वो 150 प्रश्नों का होता है जो 2 अंक प्रत्येक के होते हैं और इसमें जो माइनस मार्किंग है वो है 0.50 मार्क्स। तो आपको ये ध्यान देना है कि 0.50 मार्क्स है यानी 1/4 नेगेटिव है जो कि ठीक माना जाता है। ये इजी नेगेटिव मार्किंग होती है 1.1/4 की 0.5 मार्क्स का नेगेटिव है। ठीक है, जीके जीएस होता है 38 प्रश्न 76 मार्क्स के, हिंदी होता है 37 प्रश्न 74 मार्क्स के। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। क्वांट्स जो होती है वो आपकी वो और उसके साथ में मेंटल एबिलिटी भी होता है। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी ये दोनों आपका होता है अगेन 76 मार्क्स और 38 क्वेश्चंस का। तो देखिए 38 क्वेश्चंस का ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी होता है। इससे आप एक बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिन बच्चों की मैथ्स में जो उतने सहज नहीं होते हैं तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का यहाँ पे लगभग 17 से 18 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आप भी इस परीक्षा के बारे में सोच सकते हैं जिनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं होती है, कई लोग ऐसे होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें फिर चौथा जो पोर्शन होता है वो होता है रीजनिंग का, उसी में IQ आ जाता है। तो ये जो पोर्शन होता है अगेन ये होता है आपका 37 मार्क्स का, 37 क्वेश्चंस का 74 मार्क्स का। तो देखिए 37 क्वेश्चंस का 74 मार्क्स का जो हमारा ये बुद्धिलब्धि परीक्षा बोलते हैं इसको हिंदी में, बुद्धिलब्धि या तर्क शक्ति परीक्षा या सामान्य अभिरुचि बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह। तो ये आपके चार मेजर पोर्शन है जिसमें ये पूरा कोर्स डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसकी क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या मेजरमेंट्स ये लोग मांगते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हाइट की, इसमें ज़्यादातर बच्चों को डाउट रहता है। तो जो हाइट यहाँ पे मांगी जाती है वो ध्यान दीजिए मेल की मांगी जाती है 168 और ये है आपकी अनरिजर्व्ड यानी जनरल की और OBC की। लेकिन अगर हम ST की बात करें तो ये है आपकी 160 और वही अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में ये हाइट जो मांगी जाती है वो मांगी जाती है 152 की। और अगर SC ST फीमेल की बात करें तो ये हाइट मांगी जाती है 147 की। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 152 है इसमें जो 5 का गैप है और इधर जबकि ये 8 का गैप है, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। इनका एक सर्टेन मिनिमम लिमिट है, उस पर इन्होंने डिसाइड किया है क्राइटेरिया। ठीक है, तो हाइट के बाद अगर हम लोग चेस्ट की बात करें, चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए ये होती है, जनरल के लिए 79, जनरल OBC के लिए ये होती है 79 और जो प्लस 5 का एक्सपेंशन होना चाहिए यानी फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और वही अगर हम SC ST की बात करें तो ये होता है 77। इसी प्रकार से जो वेट की बात होती है तो ये केवल गर्ल्स पे एप्लीकेबल होता है और ये वाला जो है केवल बॉयज़ पे एप्लीकेबल होता है। गर्ल्स पे जो एप्लीकेबल होता है वो है 40 kg आपका वेट मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट है। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो मेजर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रनिंग, और इसी को लेकर बच्चों के ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। डाउट्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रनिंग, तो रनिंग जो है वो मांगते हैं मेल के लिए है ये 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, तो लगभग आधे घंटे में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है यानी 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। और फीमेल के लिए है ये 2.4 यानी इसका आधा है मगर समय एकदम आधा नहीं है, ये है 14 मिनट्स, तो ये 12:30 ना होके 14 मिनट है। तो ये है आपकी जो रनिंग वो लोग मांगते हैं। ये दोस्तों इस संबंध में ये जितनी भी जानकारी जो बहुत ज़रूरी थी आपके लिए वो तो हमने यहाँ पे बता दी है। बाकी जो सिलेबस का डिस्कशन है वो हमने बहुत डिटेल में अभी नहीं किया है, वो हमने छोड़ा हुआ है, जब हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा
तो हम लोग सिलेबस के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इस उद्देश्य से डिस्कस कर रहे होंगे कि हम क्या बेहतरीन एक स्ट्रेटजी बना सकें। इस संबंध में हमने एक वीडियो और भी बनाया जिसमें हमने इसको बताया है कि आपके लिए ऑफिशियल सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको एक रणनीति तैयार कर सकते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम लोग अपने फर्दर वीडियोस में बता रहे होंगे। इसके अलावा टॉपर्स का कुछ डिस्कशन भी हम लोग करा सकते हैं, जो पिछले पेपर में जो जिन्होंने क्रैक किया है उनसे संवाद करा सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इनफोकस सिविल अकेडमी के नाम से, उसमें इससे संबंधित समय समय पर जो भी अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी। तो साथ ही जो इस परीक्षा में शामिल जो सिलेबस है उससे संबंधित नोट्स भी उसमें अपडेट होते रहेंगे, और जो हमारी क्लासेस हैं उनके संबंध में भी विधिवत सूचना प्राप्त होती रहेगी। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में हमारी जो 12 तारीख से क्लास शुरू हो रही है उसमें भी आप रेगुलरली उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग। तो अभी के लिए हमारी तरफ से इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के डिस्कशन में। तब तक के लिए नमस्कार।